Aman Science Academy. My name is Kamal Singh. Today I discuss in class 12, chapter number 12, Prakash ki Pragati. आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ प्रेजेंट हूँ. आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा पिछला जो चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाया है 11 चैप्टर, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं. ध्यान रखिएगा, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप लोगों को अगर 11 चैप्टर इजी वे में अगर समझ में आया हुआ है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से मैं बता देता हूँ बेटा, जो वेद प्रकाश की ये तीन जो चैप्टर दे रखे हैं कम से कम 12-13 मार्क्स के जो चैप्टर टोटल दे रखे हैं तीनों चैप्टर, याद रखिएगा. तो आज जो मैं चैप्टर लेने वाला हूँ फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 12, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, कहने का मतलब क्या है. इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि प्रकाश किन किन रूपों में पाया जाता है. तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ. आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि मॉर्निंग के समय अपने घर की जो खिड़की होती है, मॉर्निंग के समय जब अपने घर की खिड़की होती है तो वहां से जब सूर्य की प्रकाश किरण आती है तो आपने देखा होगा एक पूरी लेयर बन के आती है, देखा होगा पूरी एक लाइनिंग के साथ आती है. उसमें आप देखोगे छोटे मिट्टी के कण भी होते हैं. अगर ध्यान से देखा होगा खिड़की में अगर रोशनी आती है तो उसमें देखोगे छोटे क्या बेटा कण भी दिखाई देते हैं और एक लाइट दिखाई देती जो सीधी आती है. तो इसके कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो प्रकाश है वो कणों के द्वारा भी बनी हुई है और इसके द्वारा बनी हुई है, तरंग के द्वारा भी बनी है. यानी प्रकाश कण के रूप में भी पाया जाता है बेटा, तरंग के रूप में भी पाया जाता है. लेकिन इसको दोनों को समझाने के लिए, यानी प्रकाश इन दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं. इसमें कुछ सिद्धांत सही माने गए हैं और आज के टाइम में कुछ सिद्धांत गलत भी माने गए हैं. तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाला जो सिद्धांत आया बेटा, जिसमें कहा गया था कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी पाया जाता है, वो सिद्धांत आज के टाइम में सबसे अच्छा साबित हुआ है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक मैंने लिया है प्रकाश की प्रकृति. तो प्रकाश की प्रकृति को बेटा समझाने, प्रकृति का मतलब प्रकाश कैसे बनी है, किन किन चीजों से मिलकर बनी है, उसका व्यवहार क्या होता है, कैसे काम करती, क्या गुण होते हैं, उन सभी से मिलकर क्या बनी प्रकाश की प्रकृति, यानी होता क्या है, प्रकाश कैसे बना है, इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए. तो जो टोटल 5 सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अंदर न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, उसके बाद मैक्सवेल का सिद्धांत और लास्ट में प्रकाश की द्वैत प्रकृति का जो सिद्धांत दे रखा है, यानी प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं. सबसे पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत, सेकेंड तरंग सिद्धांत, तीसरी बात प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, चौथा मैक्सवेल का सिद्धांत और पांचवा क्या पढ़ेगा प्रकाश की द्वैत पद्धति, यानी प्रकाश को समझाने के लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं. तो पहला सिद्धांत बेटा कौन सा है लेता हूँ. सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था. तो आप लोगों को नाम से ही पता चल गया है क्या कह रहा बेटा, कणिका, यानी न्यूटन कहता है कि प्रकाश हमेशा किस रूप में पाया जाता बेटा, कणों के रूप में ही पाया जाता है, ओनली कणों के रूप में बेटा, ठीक है. लेकिन शॉर्ट कॉमिंग सर के बाद में सिद्ध हुआ था जिसमें प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में भी पाया जाता है. तो सबसे पहले जो सिद्धांत दे रखा है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, क्या कहता है कि प्रकाश हमेशा कणों से मिलकर बना होता है. कौन कहता है बेटा, न्यूटन कहता है कि प्रकाश और कणिका सिद्धांत कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण है वो हमेशा कणों से मिलकर बनी होती है. तो क्या कहता है बेटा कणिका सिद्धांत, जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है तो उसमें प्रकाश के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण, बेटा जरूरी नहीं प्रकाश किरण सूर्य से भी आएगी, बल्ब से भी आ सकती है, ट्यूबलाइट से भी आ सकती है, किसी भी चीज से प्रकाश किरण जनरेट हो सकती है. तो ये क्या कह रहा है बेटा, सूर्य प्रकाश का न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण कहीं से उत्सर्जित होती है, निकलती है, तो वो हमेशा किसमें होते हैं, छोटे कणों के रूप में होते हैं और जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, कणिकाएं कहते हैं. यानी पहला पॉइंट न्यूटन का क्या कह रहा है बेटा कि प्रकाश जब किसी स्रोत से, यानी मैंने कहा ट्यूबलाइट या ट्यूबलाइट से प्रकाश किरण जब निकली या सूर्य से प्रकाश किरण जैसे आई तो वो हमेशा छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिनको क्या कहते हैं बेटा, कणिकाएं कहते हैं.
इस सिद्धांत के अनुसार हमें कणों के रूप में पाया जाता है। ये क्या कहता है बेटा कि प्रकाश हमेशा कण के रूप में पाया जाता है। तो दो पॉइंट अभी तक डिस्कस किया कि जो प्रकाश कण किसी चीज से निकलती है तो वो छोटे कणों के रूप में निकलती है, इसको कणिका कहते हैं। इसलिए प्रकाश हमेशा किस रूप में पाया जाता है, कणिका के रूप में। ये कौन कह रहा है, न्यूटन कह रहा है। ठीक है, अब आगे सुनना बेटा। एक ही रंग के प्रकाश की कणिका का आकार समान होता है। अगर मैंने कहा सभी प्रकाश की किरणों का रंग एक ही है तो उनकी कणिकाओं का आकार बेटा समान होगा। अगर अलग अलग रंग की अलग अलग रंग के कण है तो उनमें उनका आकार भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। बात सुना दो बेटा। अगर मैंने कहा कि कोई ट्यूबलाइट की प्रकाश किरण निकली है उसमें एक ही रंग की सारी प्रकाश किरण है तो उनमें कणों का आकार समान होगा, लेकिन अगर अलग अलग हुई तो उनमें आकार भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट इधर सुना है न्यूटन की गणित के सिद्धांत में कि जब किसी प्रकाश किरण की सरल रेखा में गति घटती है तो वस्तु से परावर्तित होकर आंख की रेटिना पर क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। कहने का मतलब अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो आंख पे टकराती है। आंख मैंने आपको समझा चुका हूं प्रतिबिंब का मतलब बेटा रेटिना पे बनता है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा कि न्यूटन के इस सिद्धांत से बेटा याद रखना परावर्तन समझ सकते हैं, अपवर्तन को समझ सकते हैं, और अगर कोई प्रकाश किरण सीधी रेखा में जाती है उसके बारे में अपन समझ सकते हैं। बेटा याद रखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी नहीं जाती है, ऐसा ये चीज क्या रहेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु से टकराती है तो टेढ़ी हो जाती है, ये चीज क्या रखना। तो चार पॉइंट याद रखना क्या करें न्यूटन का कणिका सिद्धांत, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है तो छोटे कणों के रूप में होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं कणिका है। इसलिए न्यूटन कहता है कि प्रकाश हमेशा कणिका के रूप में पाया जाता है। फिर उसने ये कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण है वहां पे जो प्रकाश किरण जो उत्सर्जित हुई उनका रंग एक ही है तो उनमें कणों का आकार समान होगा, अगर अलग अलग रंग है तो उनमें आकार भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। और न्यूटन के इस कणिका सिद्धांत से हम क्या क्या समझ सकते हैं बेटा, परावर्तन समझ सकते हैं, अपवर्तन को समझ सकते हैं, या कोई प्रकाश किरण सीधी रेखा में जाती है उसको अपन समझ सकते हैं। बात समझा बेटा। तो आज हम लोग तीन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, कल दो सिद्धांत और पढ़ेंगे, पांच सिद्धांत टोटल पढ़ने वाले हैं। तो पहला सिद्धांत हमने पढ़ा है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी न्यूटन कहता है कि प्रकाश हमेशा कणों से मिलकर ही बना होता है। दैट्स ऑल, चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड सिद्धांत कहते हैं बेटा हाइड्रोजन का तरल सिद्धांत। किसका सिद्धांत, जो हाइड्रोजन साइंटिस्ट था बेटा उसने क्या कहा कि न्यूटन तो क्या क्या चला गया कि प्रकाश कणों के रूप में होता है। उसके बाद साइंटिस्ट आया हाइड्रोजन, वो कहता है प्रकाश कणों के रूप में नहीं, वो कहता है प्रकाश किसके रूप में होता है बेटा, तरंग के रूप में। यानी प्रकाश हमेशा कैसे आता है, ऐसे तरंग जाती है, जैसे कोई भी तरंग ऐसे जाती है ऐसे प्रकाश क्या होता है जाता है। ये बात सही है बेटा, दोनों चीजें सही है, कण के रूप में भी होता है तरंग के रूप में होता है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने सबने अलग अलग कुछ कहा है। तो हाइगेन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है तो बेटा वो किस रूप में जाती है, तरंग के रूप में जाती है। नाम से बदल गया तरंग सिद्धांत, यानी प्रकाश कैसे बनी हुई है, तरंग से मिलकर बनी हुई है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं बेटा कि जब कोई प्रकाश की जो तरंग होता, प्रकाश की जो भी तरंग होती है, प्रकाश की जो भी किरण होती है वो हमेशा किस रूप में होती है बेटा, तरंग के रूप में होती है। और तरंग संचरण के लिए क्या चाहिए बेटा, माध्यम। ये बात भी सही है कि प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, जहाँ पे क्या होगा माध्यम होगा। यानी ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बेटा कि प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में पाया जाता है और तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या चाहिए बेटा, माध्यम की आवश्यकता होती है। और हाइड्रोजन ने एक बात और बोली बेटा, इसने इस चीज को प्रूव करके बताया, प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया। हाइड्रोजन का तरंग सिद्धांत क्या कह रहा बेटा, तो प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में पाई जाती है और तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहा है, इसने इस चीज को प्रूव करके बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। कैसे, उसने क्या किया, एक काल्पनिक माध्यम या ईथर, इथर में उन्होंने क्या था प्रकाश किरणों को प्रभावित किया, तो वहां पे देखा कि प्रकाश हमेशा किस रूप में जा रहा बेटा, तरंग के रूप में। यानी उन्होंने इथर लिया काल्पनिक रूप से और उसमें प्रकाश किरणों को छोड़ा, तो उसने देखा प्रयोग करके कि वहां पे प्रकाश किस रूप में जा रहा बेटा, तरंग के रूप में जा रहा है। और इस सिद्धांत से याद रखना परावर्तन को अपन समझ सकते हैं, अपवर्तन को, और व्यतिकरण और विवर्तन। बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखना, व्यतिकरण और विवर्तन होता है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। विवर्तन में मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यतिकरण में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकल द्विध्रुवी प्रयोग है तो सारे इंपोर्टेंट है, इसमें पढ़ेंगे अपन विस्तार से। लेकिन याद रखना कि तरंग सिद्धांत कहाँ कहाँ काम आ सकता है, परावर्तन में भी काम आ सकता है, अपवर्तन में भी काम आ सकता है, व्यतिकरण में भी काम आ सकता है,
विवर्तन में भी काम आ सकता है। कौन? आयन का तरंग सिद्धांत। यानी हम लोगों ने अभी दो सिद्धांत पढ़े हैं, एक तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत और दूसरा आयन का तरंग सिद्धांत। न्यूटन कहता है कणों के रूप में पाया जाता है, आयन कहता है तरंग के रूप में पाया जाता है। बात समझ आ गई। चलो आज तीसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में एक वन मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है काफी बार। इस सिद्धांत में से एक नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, कभी ग्राफ पूछा गया बहुत बार, थर्ड सिद्धांत लेकर उस पर ग्राफ पूछा गया है, या भी इस समीकरण को काफी बार बेटा पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो थर्ड सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि काफी बार बोर्ड के एग्जाम में वन मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे गए हैं। तो बेटा चलो पढ़ते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। बेटा देखो क्वांटम सिद्धांत का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश ऐसा आता है, ठीक है, यहां से देखिए बेटा इमेजिन करके देखिए, आपने देखा होगा कि अगर कभी भी पेड़ की छांव के नीचे अपन खड़े हैं तो बेटा आपने कभी भी देखा पेड़ की छांव के नीचे खड़े अगर पेड़ में सूर्य प्रकाश की जाती है ब्लू कलर की रे जाती है जस्ट सामने, वहां पर हल्का हल्का सब बीच में गैप दिखाई देता है, वो सारे क्या होते हैं बेटा ऊर्जा के पैकेट। क्या होता है बेटा? ऊर्जा के पैकेट होते हैं, जिसको प्लैंक ने क्या नाम दिया? क्वांटम नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? क्वांटम नाम। यानी प्लैंक क्या कहता है बेटा, सुनेगा इस सिद्धांत में प्लैंक कहता है कि प्रकाश से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है। इसमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है, जिसको वो क्या कहते हैं बेटा? फोटोन कहते हैं। और उस फोटोन में बहुत सारी मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा होती है। जब एक फोटोन दूसरे से टकरा, दूसरा तीसरे से टकराता है, तीसरा चौथे से, तो ऐसे प्रकाश में जब सूर्य से यहाँ पृथ्वी तक पहुंचती है तो बहुत सारे फोटोन होते हैं, ऊर्जा छोटे पैकेट होते हैं। और जैसे ऊर्जा के छोटे पैकेट है वो जैसे उत्सर्जित होते हैं, वो दूसरे पैकेट से टकरा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और प्रकाश किरण बहुत दूर से यहाँ तक आसानी से पहुंच जाती है। ये कौन कहता है बेटा? प्लैंक कहता है। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है बेटा? कि प्रकाश है जो छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बनी हुई है, वो ऊर्जा के छोटे पैकेट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा? फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। कहने का मतलब E जो ऊर्जा है वो समानुपाती क्या बेटा? आवृत्ति। यहाँ पे व्यू क्या है बेटा? आवृत्ति। याद रखना आवृत्ति का मतलब है कंपन प्रति सेकंड, एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? आवृत्ति कहलाती है। तो प्लैंक क्या कहता है बेटा, इस रिलेशन को याद रखने में क्या कहता है? ई समानुपाती होता है किसके? आवृत्ति के समानुपाती। यानी अगर आवृत्ति ज्यादा हुई तो ऊर्जा क्या निकलेगी बेटा? ज्यादा निकलेगी, क्योंकि एक दूसरे क्या है? समानुपाती। जैसे समानुपाती का निशान हटाते तो एक नेता आते हैं, नेता क्या लेता है? एच। क्या किया है? एच। एच कहता है प्लैंक नेता, आप लोगों ने पढ़ा भी है क्लास में। तो ई बराबर बेटा क्या होता है? एच म्यू। और आपको पता बेटा आवृत्ति बराबर क्या होता है? सी बाय लैम्डा। सी क्या है? प्रकाश का वेग। कितना होता है बेटा? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा क्या बेटा? तरंग दैर्ध्य। तो बेटा याद रखना दो के ऊर्जा, अगर कोई प्रकाश किरण उसकी ऊर्जा निकालनी है उसके दो सूत्र ई बराबर एच म्यू। एच म्यू एच है प्लैंक नेता, म्यू है आवृत्ति। अगर तरंग दैर्ध्य में आवृत्ति लंबी है तो ई बराबर एच, म्यू बराबर क्या होता है बेटा? सी बाय लैम्डा। प्रकाश का वेग, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय लैम्डा। अगर मैं ग्राफ देखता हूं बेटा, विद समानुपाती ग्राफ कैसा ऐसा होता है? समानुपाती ग्राफ कैसा ग्राफ है? सीधा होता है। तो बेटा कुल मिला के हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया, मैं वापस एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। तीन सिद्धांत पढ़े हैं, कल दो सिद्धांत और पढ़ने वाले, पांच सिद्धांत दे रखे हैं। पहला सिद्धांत पढ़ा बेटा न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या कहता है न्यूटन? कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कणिकाएं कहते हैं। अगर एक ही रंग की प्रकाश किरण है तो उनमें कणों का आकार समान होगा, अलग अलग रंग होते हैं उसमें आकार भी क्या होगा बेटा? अलग अलग हो सकता है। और न्यूटन के कणिका सिद्धांत से अपन परावर्तन, अपवर्तन और सीधी रेखा में अगर प्रकाश किरण जाती है उसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। दूसरी बात करता हूँ हाइजन जो साइंटिस्ट है उसने क्या बेटा? तरंग सिद्धांत। क्या कहता है? कि प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में पाया जाता है और उसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा जो सिद्धांत आया था बेटा क्या आया था? तीसरा सिद्धांत प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनेगा। क्या कहता है क्वांटम सिद्धांत? कि प्रकाश है छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में पाया जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? फोटोन कहते हैं। और फोटोन में बहुत सारी मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा होती है।
वो ऊर्जा होती है वो हमेशा आवर्ती ऊर्जा होती है, समानुपाती होती है। जैसे समानुपाती का निशान हटाओ तो एक नेता नाता नेता के लिए बेटा एच एच एफ प्लान नेता तो ई बराबर क्या होता है एच म्यू या ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होता है। बात समझ में आ गई? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल और वापस किसी क्लास को कंटिन्यू करके आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा। इतना रखिएगा कि सबको कल तक लर्न होना चाहिए, घर रहिए बेटा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।